में ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी टाइम पर मैं वीडियो बनाने आई हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। काफ़ी व्यस्त रहती हूँ इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाती, तो इसीलिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को आपकी इस बेटी का राधे राधे प्रणाम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं, होली प्रारंभ होने वाली है, होलाष्टक लगने वाला है और सभी को यही रहता है कि होलाष्टक हमारे लिए खुशियों भरा हो, रंगों भरा हो, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। वो हर किसी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यह तंत्र बाधाओं का भी भय सताता रहता है कि कोई हमारे दुश्मन हम पर कोई ऐसा वार ना करें, या कुछ दुश्मनों की वजह से या गुप्त शत्रुओं की वजह से हमें किसी तरह की कोई हानि ना पहुँचाएँ। आपको होलाष्टक से, जी हाँ, 10 तारीख से ही होलाष्टक लग रही हैं, 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक होलाष्टक लग रही हैं, तब से लेकर आपको ये कार्य पूर्णिमा तक, जी हाँ 17 मार्च तक आपको ये कार्य करते रहना है। करना क्या है आपको, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपकी एक्सलोजर, आपकी सलाहकार, नंबरोलॉजर भी हूँ, वास्तु भी जानती हूँ और रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आपको कभी किसी तरह की कोई परेशानी हो, आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबरों पर, मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर। अगर किसी तरह की भी आप नेगेटिविटी को अपने आस पास महसूस कर रहे हैं या आपको डर सता रहा है कि होलाष्टक पे कोई गुप्त शत्रु या आपके शत्रु आपको कुछ तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए, आपके परिवार को किस तरह की कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए आपको 10 मार्च से ही होलाष्टक लगते ही आपको ये कार्य करना प्रारंभ कर देना है। करना क्या है, एक पानी वाला नारियल लेना है आपको, जी हाँ एक पानी वाला नारियल लेना है और 125 रुपया नहीं तो 11 रुपये, जी हाँ इतना तो आप कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए एक नारियल लेके और 11 रुपये उस पर बांध कर कलावे के साथ आपको बांध देना है और अपने घर से 7 बार उसको अपने इष्ट का नाम लेकर, नहीं तो ओम हनु हनुमते नमः, जी हाँ संकट मोचन हनुमान जी हैं, हर संकट को वह दूर करते हैं, प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं, हर तरह की नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करते हैं, उनका नाम लेकर आपको पहले सबसे पहले आपको श्री राम नाम बोलते हुए इसको 7 बार अपने घर से आपको वार कर हनुमान जी के किसी मंदिर में जाकर, नहीं तो अपने घर पर आपको इसको स्थापित कर देना है हनुमान जी के श्री चरणों में। इस तरह आपको होलाष्टक तक आपको ये कार्य अवश्य करना है और ये प्रातकाल के समय ही आपको करना है, क्योंकि 17 तारीख को होलाष्टक दहन है, होली का दहन है, उस वक्त आपको ये जितने भी नारे हैं आपके आपके जो से 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सबको सब लेकर जाकर आपको वहाँ पे दहन कर देने हैं। अपने घर के जितने भी आपके कष्ट है उसमें दहन हो जाएंगे और आपको वहाँ पर 3 परिक्रमाएं करते हुए अपनी मन मानसिक इच्छा बोलते हुए, चाहे आपकी शारीरिक परेशानी है, कारोबारी परेशानी है या परिवार की कोई परेशानी है या किसी तरह की आपको तंत्र बाधा से मुक्ति नहीं मिल रही, उसके लिए आपको प्रार्थना करते हुए आपको वहाँ पर नमस्कार करते वापस आ जाना है, फिर हाथ मुंह धोकर अपने कार्य में लग जाना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, बस इतना सा ये कार्य आपको अवश्य करना है और होलाष्टक से लेकर अपना होलिका दहन तक। अगर आप मेरी वीडियो बाद में भी देखते हैं तो उस दिन से भी आप ये कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, पर ये ध्यान रहे कि ये कार्य आपको होलिका दहन तक ही कार्य करना है। इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द डालूंगी और कुछ नया कुछ अचूक उपाय लेकर आऊंगी आपकी जिंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाने के लिए। इसी के साथ आगे लेती हूँ, राधे राधे।